सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो गाइस, जो आज का हमारा वीडियो है वो है एनसीवीटी एमआईएस जो अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं अपने लैपटॉप से घर बैठे। ठीक है, तो इसमें मैं सारी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा रजिस्ट्रेशन से टेंथ तक के लिए। तो गाइस, दोस्तों करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना इस वीडियो को। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर खोल लेना है या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और फिर सर्च इंजन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले टाइप करना है एनसीवीटी एमआईएस अप्रेंटिसशिप, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा एनसीवीटी एमआईएस अप्रेंटिसशिप का, इसी में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसके बाद आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद ये जो आप वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट है एनसीवीटी अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो गाइस, में जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है अप्रेंटिसशिप का, इसमें थर्ड ऑप्शन के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। मैंने फॉर्म फाइल फिल कर रखा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैंडिडेट टाइप जो लिखा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप फ्रेशर तो फ्रेशर में क्लिक करते हैं, आईटी पास है तो आईटी पास में क्लिक कर दें, आईटी रिजल्ट अवेटेड इसमें क्लिक कर दें। इनमें से आप जो आपके पास है वही आपने क्लिक कर देना है। तो मेरे पास आईटी पास है, इसमें आपको मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो आप इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनसीवीटी एससीवीटी सर्टिफिकेशन टाइप। अगर आप एनसीवीटी से हैं तो एनसीवीटी क्लिक कर दें, एससीवीटी से है आपका आईटीआर तो एससीवीटी क्लिक कर देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट कैंडिडेट टाइप है, अगर आप रेगुलर जाते थे कॉलेज, रेगुलर आपका कोर्स है तो उसमें रेगुलर में क्लिक कर देंगे, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट कर देंगे। इसके बाद आप आता है एनसीवीटी एससीवीटी सर्टिफिकेट नंबर फॉर आईटीआर पास आउट। इसमें आपका सिंपली जो आपका नंबर है वो आपको डाल देना है। आपको सर्टिफिकेट में जो ऊपर से साइड में राइट में ये लिखा होगा इसी को आपको डाल देना है। जैसे आप डालेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक आईके ट्रेड का नाम आ जाएगा और आपका नेम आ जाएगा, अपने फादर नेम आ जाएगा, जेंडर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा केवल इस रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही। इसके बाद आप आता है आधार कार्ड नंबर यूआईडी नंबर, इसको आपका नंबर डाल देना है। डालने के बाद आपके पास सपोज नेम है तो वो डाल देना, अगर कैटेगरी आपके इसमें आपकी कैटेगरी दी हुई है तो कैटेगरी भी आपको फिल कर लेना है। कैटेगरी में अगर आप जनरल कर दें, अदर बैकवर्ड है तो वो डाल दें, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल यानी एस सी एस टी ओबीसी जो आप हो वो डाल देना। तो मैं जनरल में जनरल डाल देता हूँ। उसके बाद इसमें आता है इजी पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, अगर पीडब्ल्यूडी है तो यस कर दें, नहीं है तो नो डाल दें। इसके बाद आपको आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस जो होगा पूरा एड्रेस डाल देना है, स्टेट नेम, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम और आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना क्योंकि ईमेल आईडी में ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें आपका आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपके जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो यहाँ पर डाल देना, जैसे 10th, 12th, 8th, बीकॉम, बीए, बीएससी, आईटीआई, एमकॉम में या अदर में जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसमें आपको डाल देना है। इसके बाद अटैचमेंट जो होगा जो यहाँ पर आप डालेंगे उसी का अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए साइज आपके मिनिमम 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स में क्या करेंगे, आपको जो पूर्णांक है वो डाल देना है और ऑप्टेंड मार्क्स में जितने आपके नंबर आए हैं वो इसमें सिंपली डाल देना है। डालने के बाद आपका आता है ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज जो आपका है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आईटीआई है, आईटीआई का जो नेम है इंस्टीट्यूट वो डाल देंगे। फिर इसमें जो लिखा है नेम ऑफ काउंसिल यूनिवर्सिटी जो है एनसीवीटी एससीवीटी जो है वो डाल देना है। इसके बाद आपका नेम ऑफ ट्रेड कोर्स है, आपका जो ट्रेड का कोर्स का नाम हो वो डाल देता है, जो आपका ट्रेड का नाम हो या कोर्स का नाम हो वहाँ पर सिंपली डाल देना है। डालने के बाद आपका आता है कोर्स स्टार्ट डेट, आप जो स्टार्टिंग डेट है कोर्स की वो उसकी डेट डाल देनी है और जब आपके कोर्स का एंड हुआ था उसकी डेट डाल देना। इसके बाद इसके मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्टेंड मार्क्स ये डाल देना, फिर वाला परसेंटेज जो होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जो ऐड का ऑप्शन दे रहा है इस ऐड का ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने जैसे ये लिख के आ रहा है इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर आ जाएगा, काउंसिल इंस्टीट्यूट नेम वो आ जाएगा, एनसीवीटी और नेम ऑफ ट्रेड से मेरा कंप्यूटर ब्रांड प्रोग्राम से आपने जो ट्रेड या कोर्स डाला वो यहाँ पर आ जाएगा।
इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट डेट वो आ जाएगा, ट्रेनिंग का इन टाइम आ जाएगा, इसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका आ जाएगा, इसके बाद जो आपका ऑफलाइन मार्क्स वो आ जाएगा, और राइट और फिर एडिट और ग्रेड्स को एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आता है इसे टिक करने का, इसमें आपको सिंपली टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है, ऐसा ऑप्शन आएगा ये अपलोड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको आईटीआई का डॉक्यूमेंट्स जो आपका है सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसकी जो मिनिमम साइज होगी 10 KB होगी और मैक्सिमम साइज 2 KB। आप इसको पीडीएफ में या जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं या डॉक्स फाइल में अपलोड कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं किसी भी साइज में। साइज आपको 10 KB से 200 KB के बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे के लिए। इसमें आप देख सकते हैं ट्रेड परफॉर्मेंस, आप जो ट्रेड है वो आपको यहाँ से जाकर क्लिक कर देना है। जैसे मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया था। क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ तक सिलेक्ट है फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया तो मैंने ये दिया और इसी में क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर लेकर आ जाएगा। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है ये देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि इसके जेपीजी में या पीएनजी साइज में आपको मैक्सिमम 200 KB और मिनिमम 10 KB के अंतर्गत में इसको को क्रॉप करके 132 और 170 पिक्सल में आपको काट कर इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड सिग्नेचर के लिए, तो सिग्नेचर में आपको क्या करना है, ये सिग्नेचर भी आपका 10 KB मिनिमम होगा और मैक्सिमम आपके 200 KB होगा। इसमें भी आपका मैंने सिग्नेचर अपलोड कर रखा है, सिग्नेचर मेरा अपलोड हो चुका है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स आपका, यदि आपके पास हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का यानी जिसमें भी आपका आधार कार्ड नंबर यानी डेट ऑफ आईडी लगी हुई है वही आपको आईडी लगा देना। तो मैंने आधार कार्ड नंबर लगा रखा, तो आप भी आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स में फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है टिकेशन, इसमें आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सिंपली इस सबमिट का ऑप्शन आता है, इसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक प्रीव्यू पेज आएगा, ये सब लिखा होगा जिसने जितना आपने टाइप किया है ये सब का ऑप्शन आपको देगा। तो मैं इसमें सबमिट कर लेता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार फिर से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए गाइस हमारे सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है, इसमें मैंने कनेक्ट टाइप भी आईटी पास है, डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, एनसीवीटी का सर्टिफिकेशन ये दिया गया है, सर्टिफिकेट टाइप दिया गया, रेगुलर आईटीआई जो ट्रेड वो पड़ा है, जेंडर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्पोर्ट्स नेम और आधार नंबर, कैटेगरी, सारी चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आपने डाला था कॉन्टेंट डिटेल्स, कॉन्टेंट डिटेल्स भी आप इसमें पड़ा हुआ है, और इसके बाद जो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल डाली वो भी आपको पड़ा हुआ है, और इसके बाद जो आपने हाईएस्ट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो भी इसकी डिटेल्स पड़ी हुई है, और ट्रेड परफॉर्मेंस जो आपने दिया वो भी आपका पड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्शन परफॉर्मेंस, और आपकी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है सारे आपके अपलोड हो चुके हैं इसमें। तो गाइस ये करने के बाद आपको अगर कोई गड़बड़ी इसमें दिखती है, कोई गलत अगर टाइप हो गया हो तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको बाहर से तो होम पेज में आ जाना है। होम पेज में आने के बाद आपको क्या करना है वो बताता हूँ। होम पेज में आने के बाद आपको क्या करना है, जो ऑप्शन दिख रहा है अप्रेंटिसेस का, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्रेंटिस एक्टिवेशन में, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, अप्रेंटिस एक्टिवेशन का जो ऑप्शन आएगा इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा अप्रेंटिस ईमेल आईडी। तो आपने जो ईमेल आईडी डाली होगी आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देनी है। इसके बाद आपका फादर या गार्जियन नेम आता है वो डाल देना है। इसके बाद आपने जो आधार नंबर डाला होगा वो इसमें डाल देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लिखा एक्टिवेट डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी ईमेल आईडी में आ जाएगी, तो वही आपका है एनसीवीटी एमआईएस का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो यार जरूर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर जरूर और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।